तो गाइस, ओल्डमैन क्विल के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जब पीटर क्विल रैकिंग क्रू को मार देता है तो लोग उसे एक हीरो के तौर पे मानने लगते हैं, और फिर डॉक्टर डूम पीटर को मारने की सुपारी देता है और पीटर को पकड़ लिया जाता है और टास्क मास्टर के अरीना के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन वहां पासा पलट जाता है। पीटर वहां से आजाद होकर फिर से उस पवित्र चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो कि चर्च को हमेशा हमेशा के लिए रोक सकती है, विद्रोहियों का बेस कैंप। दो बच्चे यहाँ पे भागते हुए आते हैं। बाहर खड़ी एक गार्ड ऊपर से गुजर रहे पल्सर को देखकर इन बच्चों से बोलती है, लगता है कि ये डूम के सैनिक हैं, और जब से हमने रॉक स्प्रिंग्स पे उस प्लांट के ऊपर अटैक किया था तब से ये लोग हमारे बहुत पास पहुंच चुके हैं, लेकिन ये इल्यूजन प्रोजेक्टर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तुम लोग अंदर चले जाओ, लीडर तुम्हारा वेट कर रही है। अंदर जाने के बाद वो बच्चे लीडर से बोलते हैं, मैडम एवेंजर, हम फिस्क लेक सिटी से जितनी तेजी से हो सका भागते आ रहे हैं। एक सुपर हीरो की खबरें सच हैं, एवेंजर बोलती है, मुझे दिखाओ। और तब वो म्यूटेंट अपनी पावर से उनको कुछ इमेजेस दिखाता है। एवेंजर बोलती है, ये तो स्टार लॉर्ड है, लगभग 50 सालों से उसे इस अर्थ पे नहीं देखा गया है, और अगर वो अर्थ पे आ चुका है तब बाकी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम भी आई होगी। और गाइस, ये एवेंजर होती है विजन की बेटी विवियन, जो बोलती है शायद ये वही मौका है जिसका हम वेट कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर डूम भी इस हॉर्स क्रिक के हीरो के पीछे लगा हुआ होगा, क्योंकि ये हीरो लोगों के अंदर एक सिंबल की तरह बनता जा रहा है। विवियन को बताया जाता है कि हमारे जासूसों ने सुना है कि वो इलेक्ट्रोविले की तरफ जा रहा है, जिसपे विवियन बोलती है कि वहाँ मौजूद अपने लोगों से बात करो। तब एक ऑपरेटर बाकी सब ऑपरेटर्स को एक लोकेशन पे जाने के लिए बोलता है। वो कहता है कि हॉर्स क्रिक के हीरो का सामना करो और उसे यहाँ ले आओ। और गाइस, पल्सर अपनी पावर से उस ट्रांसमिशन को कैच कर लेता है और उसी लोकेशन की तरफ जाने लगता है जहाँ पे पीटर मौजूद है। वेस्टलैंड्स के अंदर रात हो चुकी है। रॉकेट पूछता है, अरे क्या हम वहाँ पहुँच गए? गमोरा बोलती है, यहीं रुकते हैं, पीटर को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। पीटर बोलता है, गमोरा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। लेकिन अगर तुम सब लोग चल सकते हो तो मैं क्यों नहीं चल सकता? गमोरा बोलती है, तुम जानते हो क्यों? पीटर कहता है, तो ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। और फिर पीटर अपने बैग में से एक डिवाइस निकालता है, और गाइस, इस डिवाइस के अंदर पीटर के बीवी बच्चों का होलोग्राम होता है। लीसा पीटर से पूछती है, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? क्या तुम अब भी गमोरा से प्यार करते हो? पीटर बोलता है, मैंने स्टार लॉर्ड बनने के बजाय स्पार्टेक्स एम्पायर का एम्परर बनना चुना, जिसका मतलब है कि मैंने तुमको चुना। लीसा बोलती है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पीटर वहां से जाते हुए बोलता है, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तभी वो डिवाइस खराब हो जाता है। पीटर उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, अरे ऐसे कैसे खराब हो सकता है, मेरे पास उनकी यही यादें बची हुई थी। वो इस डिवाइस को नीचे फेंकता है और बोलता है, इसके बिना मुझे उनके चेहरे याद भी नहीं आते। मैंटिस बोलती है, अगर इससे फर्क पड़ता है तो मैं बता दूं कि गमोरा तुमसे प्यार करती है। लेकिन वो समझ गई थी कि तुम उसे छोड़कर क्यों चले गए। पीटर बोलता है, मेंटिस, अगर तुम मेरे दिमाग में हो तो तुम जानती हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। मेंटिस बोलती है, इसीलिए तो मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। देखो, तुम्हें आसमान में वो चमकते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं ना, वो जेंडारियन सिस्टम है, नोवा कॉर्प्स का घर, वो नोवा फोर्सेस जिन्होंने इस गैलेक्सी को बचाने की कसम खा रखी है। और ये वही सिस्टम है जहाँ पे यूनिवर्सल चर्च ऑफ ट्रुथ सबसे पहले गया था, और जब तुम हमें छोड़कर चले गए थे ये यूनिवर्स तुम्हारे वापस आने तक का वेट नहीं कर पाया। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, न्यू जेंडार, नोवा कॉर्प्स का घर। यहाँ पे चर्च के जहाजों ने आकर अटैक कर दिया है, उनकी टूटी फूटी शिप नीचे आगे गिरने लगती है। बाकी नोवा नोवा प्राइम अलेक्जेंडर से बोलते हैं, उनका पहला दल प्लेनेट पे आ चुका है और वो लोग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। अलेक्जेंडर बोलता है, उनको आने दो और हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। और फिर ये लोग चर्च के सोल्जर्स के साथ लड़ने लगते हैं। नोवा कॉर्प्स बोलते हैं कि ये लोग बहुत सारे हैं। अलेक्जेंडर बोलता है, एक जगह रुक जाओ, कैनेटिक एनर्जी को बनने दो और इसे तब तक मत छोड़ना जब तक ये लोग बहुत पास ना पहुंच जाए। और फिर वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिसमें चर्च के सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। नोवा कॉर्प्स बोलते हैं, हम जीत चुके हैं, चर्च पीछे हट रहा है। अलेक्जेंडर बोलता है, ये तो कुछ बहुत आसान सा लग रहा है, इन्हीं लोगों ने अनगिनत सिस्टम्स को हरा दिया था। जिसपे एक नोवा दिखाता है कि वो लोग पीछे एक टाइप के डिवाइस छोड़कर गए हैं, लेकिन इस डिवाइस के अंदर से कोई रीडिंग्स नहीं मिल रही है। अलेक्जेंडर बोलता है, आगे जो भी कुछ आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। नोवा कॉर्प्स इस गैलेक्सी का आखिरी डिफेंस सिस्टम है और हम अपने आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी परछाई आ जाती है जिसे देखकर वो सब नोवा कॉर्प्स चौंक जाते हैं।
तभी पीटर एकदम नींद से जागता है और गमोरा उसे छुप करवाती है। वो लोग एक चट्टान के नीचे छुप जाते हैं क्योंकि ऊपर से डॉक्टर डूम का एक ड्रोन गुजर रहा है। गमोरा कहती है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा, इलेक्ट्रोविले तक पहुंचने में एक दिन और लग जाएगा। पीटर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहां तक पहुंच सकते हो? पीटर बोलता है, बिल्कुल नहीं। जिस पे रॉकेट पास के एक शहर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, चलो उस शहर में चलते हैं और कुछ खाने का सामान लेते हैं, हम पीटर के एक और दौरा पड़ने से पहले वहां तक पहुंच सकते हैं। तब उस शहर की हालत देखकर गमोरा बोलती है, चौकन्ने हो जाओ, जिस किसी ने भी शहर में तबाही मचाई है वो आसपास ही हो सकता है। एक मरी हुई गाय को देखकर ड्रैक्स बोलता है, ये इंसान के दांतों के निशान है। रॉकेट कहता है, मैं जानता हूँ मुझे डरना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत लंबे टाइम से मांस नहीं खाया है। ड्रैक्स आसपास किसी इंसान को मौजूद ना देखकर बोलता है, लगता है कि ये शहर भी इस गाय की तरह मरा हुआ है, लगता है कि शहर के लोग भाग चुके हैं। तब मेंटिस अपनी पावर्स का यूज करते हुए बोलती है कि सब लोग नहीं भागे हैं, और वो चर्च की तरफ इशारा करती है। रॉकेट बोलता है, ओके, मुझे लगता है कि हम वहाँ पे जाने वाले हैं, लेकिन क्या तुम में से किसी ने कभी कोई डरावनी मूवी देखी है? तो ये लोग चर्च के गेट तक पहुंचते हैं और तीन गिनने तक का वेट करते हैं, लेकिन इससे पहले ही एक आदमी दरवाजा खोलता है और पीटर को अंदर लाते हुए बोलता है, भगवान के लिए अंदर आ जाओ इससे पहले कि वो लोग तुमको सुन ले। अब एक औरत बोलती है, क्या ये हमारी मदद कर पाएगा? ये तो उस हीरो की तरह लग रहा है जिसके बारे में वो डॉक्टर बता रहा था। आदमी बोलता है कि ये बुड्ढा हमारी क्या मदद करेगा, वो लोग इसका पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच चुके होंगे। पीटर पूछता है, कौन से लोग? रॉकेट कहता है, अरे खुश हो जाओ, ये वो टीम है जिसने थैनोस को हराया था और बियॉन्डर के साथ लड़ाई जीत ली थी, आखिर क्या ही बुरा हो जाएगा। तभी एक पागल मैड्रॉक्स दीवार फाड़ देता है और अंदर आने की कोशिश करता है। रॉकेट बोलता है, अरे भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। तभी पागल मैड्रॉक्स गैंग दरवाजा फाड़ कर अंदर आ जाती है। पीटर बोलता है, ये तो एक्समैन वाला जेमी मैड्रॉक्स है ना। हे जेमी, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? ये मैं हूँ पीटर क्विल, स्टार लॉर्ड। मैं किटी प्राइड को जानता था। लेकिन मैड्रॉक्स पीटर को काट लेते हैं और बोलते हैं, मैं कोई जेमी नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ। पीटर बोलता है, तो अब मुझे पता चल चुका है कि उस गाय के साथ क्या हुआ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जेमी। लेकिन मैड्रॉक्स पीटर को उठा के फेंक देता है और बोलता है, यहाँ कोई जेमी नहीं है। तब वो आदमी बोलता है, इनसे बातें करते हैं कोई फायदा नहीं है, मल्टीपल मैन इतनी ज्यादा बार डुप्लीकेट हो चुके हैं कि उनका दिमाग खराब होने लगा है। पिछली बार जब मैंने इनके बारे में बातें सुनी थी तब इन्होंने वैनम के साथ बॉन्ड बना लिया था, और तब से ये इंसान से ज्यादा जानवर बन चुके हैं। और गाइस, आपको नीचे छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो जाके ओल्ड मैन होकर ही देखिए। अब वो औरत बोलती है, एक बार डूम के सोल्जर्स ने हमारे शहर के रक्षकों को मार दिया, तब से हम खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और फिर मैड्रॉक्स गैंग ने यहाँ अपना घर बना लिया, ये हमारी सारी फसलें खा गए, उसके बाद हमारा खाना खा गए, उसके बाद हमारे जानवर खा गए, और अब ये इंसानी मांस के पीछे पड़े हुए हैं। एक बच्चा बोलता है, हमें बचा लो। तभी रॉकेट एक मैड्रॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, अबे इसमें बड़ी बात कौन सी है, इनको मारना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो आदमी बोलता है, नहीं तुम गधे, तुम्हें उसको मारने के लिए उसके दिमाग पे गोली चलानी थी, लेकिन अगर तुम उसको चोट पहुंचाते हो तो ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। पीटर बोलता है, मैं तो भूल ही गया था कि मल्टीपल मैन कितनी बार मल्टीप्लाई होते हैं। तब पीटर एक और मैड्रॉक्स के ऊपर अटैक करता है। रॉकेट बोलता है, डैम इट क्विल, क्या तुमने सुना नहीं कि इसके दिमाग पे गोली मारनी है? पीटर बोलता है, तूने भी तो यही किया था। रॉकेट बोलता है, हाँ हाँ, लेकिन वो तो वार्निंग मिलने से पहले किया था। तभी गमोरा पीटर के ऊपर अटैक करने आए दोनों मैड्रॉक्स को मार देती है और बोलती है, यू आर वेलकम। खैर, पीटर गमोरा को देखने में गुम हो जाता है। तभी एक मैड्रॉक्स पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। पीटर एक गिलास को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब ड्रैक्स उस गिलास को उठाता है और उस मैड्रॉक्स के सिर में दे मारता है और बोलता है, यू आर वेलकम। और फिर बाकी मैड्रॉक्स फिर से डुप्लीकेट होने लगते हैं। मेंटिस बोलती है, यार मुसीबत आ गई, अगर हम इन सब के ऊपर एक साथ अटैक नहीं करेंगे तो ये लोग डुप्लीकेट होते रहेंगे, और फिर मैड्रॉक्स मैन इन लोगों को घेरने लगते हैं। पीटर बोलता है, ठीक है मैं संभाल लूंगा, बस इन बच्चों को यहाँ से बाहर ले जाओ। रॉकेट पूछता है, क्या तुम इन सब के ऊपर एक ही बार अटैक करने वाले हो? पीटर बोलता है, किसने कहा कि मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा? ड्रैक्स कहता है, तेरे पास कोई प्लान है या फिर ऐसे ही हवाबाजी कर रहा है? फिर मेंटिस पीटर के दिमाग में जाकर देखती है और बोलती है, सब लोग बाहर चले जाओ जल्दी। अब पीटर मैड्रॉक्स से बोलता है, यहाँ देखो,
मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ देता हूँ, और फिर अपनी गन को सेट करके उनके बीच में फेंक देता है और वहां से बाहर भागने लगता है। इससे पीटर की गन के अंदर एक बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की चिंगारी पास पड़े सिलेंडर के अंदर पहुंच जाती है, और उसके बाद वहां एक और धमाका होता है जिसमें वो चर्च पूरा का पूरा जल जाता है। पीटर खिड़की तोड़ता हुआ बाहर आता है। वो औरत बोलती है, वैसे मैं कोई गलती नहीं निकालना चाहती, लेकिन तुम्हें खिड़की से बाहर आने की क्या जरूरत थी? दरवाजा खुला हुआ था। पीटर बोलता है, हाँ ये हीरोगिरी वाला काम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वो औरत बोलती है, तुमने आज अच्छा किया। गमोरा बोलती है, तुमने आज काफी अच्छा किया। अब पीटर कहता है, ठीक है हम आगे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, एक दिन के लिए काफी मजे हो गए। गमोरा कहती है, अब थोड़ा सा पानी मिल जाए तो हम इलेक्ट्रोविले की तरफ चल पड़ेंगे, बस हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। तभी इनके पास पल्सर आता है और बोलता है, क्विल तुमने चर्च के सामने पाप किए हैं और उनको धोखा दिया है, लेकिन खुश हो जाओ क्योंकि तुम नरक के अंदर अपने प्यारों से मिलने वाले हो। और फिर पल्सर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है।